तो सबसे ज्यादा अनबन तो नीतीश जी ही बोल रहे हैं, अनर्गल बात बोलते हैं और ऐसे आप इसलिए भी बोलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार अंडबंड बोलते रहते हैं, सवाल कुछ अलग होता है और जवाब उनका कुछ अलग आता है। नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से काफी कमजोर हो गए हैं, उनका जनाधार भी अब खत्म हो गया है। एनडीए में सीट को लेकर किसी तरह की कोई खटास नहीं है, जल्द ही हम सबका सीट शेयरिंग भी जो हो जाएगा। अब जेडीयू काफी कमजोर हो चुका है, लेकिन लालटेन ढोने वाले नेता ही अब जेडीयू में रहेंगे। अब पावर का सेंटर अब लालू परिवार के पास है, नीतीश कुमार के पास अब कोई ताकत बचा ही नहीं है। अब राजद के सामने नीतीश कुमार जी नतमस्तक हो चुके हैं। कोई संदर्भ नहीं जिस की चर्चा कभी कभी करने लगते हैं, बिना सिर पैर की बात करने लगते हैं। मेरे बारे में किस तरह से उन्होंने कहा, तो इस तरह की स्थिति उन्होंने बना ली है। अब इस स्थिति को देखकर हमको तो वाकई दया आती है उनके प्रति, लेकिन है, अब है वो इस दुर्गति के शिकार, खुद ही उन्होंने अपने कारण से इस स्थिति में नीतीश जी गए, यानी कमजोर हो चुके हैं। पॉलिटिकल तो बिल्कुल अब समाप्त ही हो चुके हैं, कमजोर किया राजनीतिक रूप से नीतीश जी की अहमियत समाप्त हो गई है, क्योंकि जिस पार्टी के नेता के रूप में नीतीश कुमार जी रहे हैं वह पार्टी ही नहीं है, तो फिर क्या बचना है इनके सामने। और फिर बिहार के लोगों की आकांक्षा इच्छा के विपरीत लालटेन को माथा पर लेकर घूमना, वैसी परिस्थिति में अब यही होना ही है। बीते दिनों तो भूल जाते हैं कि आज के सवाल का हम जवाब दे रहे हैं कि कल के सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो उनके सवाल का जवाब अभी ध्यान में सवाल आता है तो आप कुछ रहे हैं, वो जवाब कुछ दे रहे हैं, तो यह स्थिति घबराहट में है। लेकिन सवाल एक सवाल ये कि उनसे सवाल पूछा जाता है आपके कहने के हिसाब से की व्याख्या की जाए तो सबसे ज्यादा अनबन तो नीतीश जी ही बोल रहे हैं, अनर्गल बात बोलते हैं और ऐसे आप इसलिए भी बोलते हैं कि हमको लगता है कि कल अगर किसी न्यूज फॉर नेशन के किसी ने अगर पार्टियां हैं उसके भी अभिभावक बिहार नीतीश कुमार जी है, लेकिन अभी ऐसी स्थिति उन्होंने बना ली है कि 24 घंटा में दो बार लालू जी के यहाँ जाकर उनको नतमस्तक होना पड़ता है, कभी यहाँ कभी वहां भटकना पड़ता है। हम यह नहीं कह रहे कि कोई व्यक्ति किसी पद पर हो तो किसी के यहाँ न जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन जिन कारणों से नीतीश जी दौड़ रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर, और जो खबर आ रही है कि कौन गुस्सा हो गया, अब उनकी मंत्री परिषद का ही कोई व्यक्ति उनके कार्यक्रम में नहीं गया, अब ऐसी स्थिति में कुल मिलाजुला कर राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार जी खुद ही जहां पहुंच गए हैं, अब उनको यही करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब पावर का सेंटर एक अन्य मार्ग नहीं है, पावर का सेंटर तेजस्वी यादव का निवास है, इसलिए पावर के सेंटर के सामने तो इनको नतमस्तक होना ही पड़ेगा, खुद ही इन्होंने ऐसी स्थिति बना ली। लेकिन भूलने की बीमारी लगता है, भूलने की बीमारी तो देखिए, भूलने की बीमारी एक किसी भी कंटेक्स्ट में जो एक दिन हमने देखा कि क्या क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में भी बाकी लोगों के बारे में, और बोलते हुए उन्होंने कहा कि आजकल लोग अंडमंड बोलते रहते हैं, अब अंडमंड शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं नीतीश जी, इसके